हेलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग मैं शालू शर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूं गो टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की वैकेंसी के बारे में दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम इस तरह के यूजफुल वीडियोज़ मिलते रहें और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे क्योंकि मैं आपको फुल डिटेल में वैकेंसीज़ के बारे में बताने वाली हूँ दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए फ्रेंड्स ये जो वैकेंसीज़ हैं इन्हें आउट किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कि है ये भी तीस यानी कि जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स के लिए यहाँ पे केवल ऑनलाइन अप्लीकेशन एक्सेप्टेबल है इसके अलावा किसी और मोड के थ्रू अगर अप्लाई किया जाएगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा ये नोटिफिकेशन तीस जून को आउट किया गया था यहाँ पे फॉर्म फिलिंग बीस जुलाई से स्टार्ट है जो कि चौदह अगस्त तक चलेगी और सत्रह अगस्त तक यहाँ पर फीस सबमिट की जा सकती है ये वेबसाइट यहाँ दे रखे जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कुल मिला के टू नाइन्टी थ्री यहाँ पोस्ट निकाली गई हैं ये जो पोस्ट है उनको कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं आगे बढ़ के बात कर लेते हैं कि पे स्केल क्या रहने वाला है तो आप लोगों के सामने पे स्केल यहाँ मैंशन है ये पे मिलेगी जो भी जे के जो टीचर हैं यहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे उनको बात कर लें अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दोस्तों तो ग्रेजुएट होना चाहिए रिकेगनाइज ग्रेज यूनिवर्सिटी से और डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में या फिर ग्रेजुएशन और बी की डिग्री होनी चाहिए सी ट होना ज़रूरी है ये क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगी गई है अगर कैंडिडेट बीएड के हैं और उनको सिलेक्ट किया गया तो उनको सिलेक्शन के दो साल के अंदर ही अंदर छः महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत उन्हें करना पड़ेगा ये पहले यहाँ पे कंडीशन रख दी गई है सिलेक्शन क्राइटेरिया दोस्तों मेरिट लिस्ट के बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 120 नंबर का सॉरी 150 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें वन फिफ्टी ही क्वेश्चन होने वाले हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ढाई घंटे का पेपर है यहाँ पे फोर्टी परसेंट मार्क्स आएंगे तो कैंडिडेट को क्वालिफाई कर पाएंगे और उसके बाद एक मेट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसके बीच इसमें सिलेक्शन होगा ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे डिवीज़न हो रखे एलेवंथ पार्ट में यहाँ पे एलेवंथ पार्ट में डिवाइडेड क्वेश्चन के ये आपके सामने मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंशन दिखा रखा है एक सौ पचास ही यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं और एक सौ पचास नंबर का ही आपका टेस्ट होगा सो so, एक क्वेश्चन का एक नंबर मिलने वाला है और यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी लेवल रखा जाएगा दोस्तों वो है टेंथ का फोर्टी परसेंट मार्क्स चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए वन फोर्थ या नेगेटिव मार्किंग है इसका विशेष ध्यान रखें फ्रेंड्स और जो क्वेश्चन पेपर है वो बाइलिंगुअल है यानी कि दोनों लैंग्वेज में आएगा टेंशन so, की कोई बात नहीं है सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो मैंने पहले ही बताया था ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है उसके बाद जितने भी वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स पहुँच जाएंगे एक रिटर्न टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे जो भी मार्क्स आएंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसके बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा अगर दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ जाते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्री एजुकेशन के जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे डिप्लोमा में उसे प्रायोरिटी देंगे अगर दो कैंडिडेट एक बी वाला है और एक डिप्लोमा वाला है तो उसमें बी वाले को प्रायोरिटी देंगे और अगर दोनों ही बी वाले हैं तो जिसमें जिनकी एज ज़्यादा है उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी दोस्तों एज की बात करें तो 21 साल से लेकर सैंतीस साल तक यहाँ पर एज लिमिट है एक कम जादा से कम इक्कीस और ज़्यादा से ज़्यादा 37 ईयर होना चाहिए रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड किया गया है एस सी ओ बी सी ई एस एम और पी डब्ल्यू बी डी के कैंडिडेट्स को दोस्तों इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट टीचर गैस टीचर और समग्र शिक्षा टीचर्स को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है प्रोसीजर की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे ये वेबसाइट दे है यहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिलिंग करनी है बीस जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ़ीस है यहाँ पे थाउजेंड रुपीज़ जो कि नॉन रिफंडेबल है और पाँच सौ रुपये है एस के केस में और जो डिसेबल लोग हैं उनको एग्जामेशन दिया गया है उनको फीस फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है ये चीज़ यहाँ पे मेंशन पहले ही कर दी गई है और जो आप लोग फीस भरेंगे उसकी कन्फर्मेशन लिस्ट 25 अगस्त को यहाँ पे डिस्प्ले कर दी जाएगी तो वेबसाइट को भी आप टाइम टू टाइम विजिट करते रहें इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दे रखे हैं वही जो कि हर नोटिफिकेशन में सेम होते हैं कि फॉर्म फिल करते समय आप ध्यान दें कुछ गलत या फॉल्स इन्फॉमेसन ना अपलोड हो जाए क्योंकि अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन अपलोड होगी तो कैंडिडेटर को कैंसिल कर दिया जाएगा आफ्टर ज्वाइनिंग भी ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर रखी है इसलिए ध्यान से फॉर्म फिल करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को वेरी किया जा सकता है यहाँ पे फुल कंट्रोल जो है वो यहाँ पर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हाथ में वो चाहें तो इस कैंसिल कर सकते हैं इस पूरी प्रोसेस को और फाइनल जो डिसीजन होगा वो भी उन्हीं का होगा ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन कर दी गई है दोस्तों इसलिए आप इस इतना ध्यान रखें कि जब आप फॉर्म फिल करें तो सही फॉर्म फिल करें कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना हो और जो फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करें वो सब लेटेस्ट होना चाहिए और वन फोर्थ नेगेटिव मार्किंग है इसका भी ज़रूर ध्यान दें एग्जामिनेशन के टाइम पर तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही आई होप इससे अपनी जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी और आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी न्यू वैकेंसीज़ के साथ तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो